Hey guys, welcome to the online e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Aprabhati and today I will discuss 50 MCQs related to agriculture statistics. So stay tuned. क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि एक टेक्निकल पोस्ट है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसका प्राइस है 1499 रुपीज़। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, इसमें आपको दिए जाएंगे प्रिंटेबल ई बुक्स, इसमें आपको एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसमें आप एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल है। इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स। ठीक है, और जो हम जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो क्वालिटी में बहुत अच्छा होगा और काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने में। हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से गाइड करेंगे जिससे आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। अभी तक हमारे यहाँ से जो है 3 स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन FCI AG3 एग्जाम। ठीक है, और 14+ स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन FCI AGM एग्जाम जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ था आउट ऑफ 27। ठीक है, और जो कि मैक्सिमम था इंडिया में। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक को जाकर विजिट करिए, वहाँ से आप जो है हमारा कोर्स जो है डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस कोर्स के बारे में पूरी अच्छे से डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द एलोकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट्स टू द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन अ रैंडम मैनर इज नोन एज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रैंडमाइजेशन। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन के वो तीन होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? एक होता है रेप्लिकेशन, एक होता है रैंडमाइजेशन, एक होता है लोकल कंट्रोल या फिर एरर कंट्रोल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? रेप्लिकेशन में मतलब कि जैसे हम लोग वहाँ पे ना क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट का रिपीटेशन करते हैं अंडर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट जितने भी ट्रीटमेंट है वो सेम एक्सपीरियंस गेन करे, जितने भी इन्वायरमेंट है उसमें। ठीक है, जैसे फील्ड है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट रहता है तो सारे ट्रीटमेंट को जो है इक्वल चांस मिले एक्सपीरियंस गेन करने का। ठीक है, हर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट को। उसके वजह से क्या होता है, इस रिपीटेशन करने से क्या होता है कि हमारा जो प्रिसीजन है वो बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि हमें एक्यूरेसी की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा मिलता है और इससे क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल एरर है वो हम लोग ईजिली से एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? रैंडमाइजेशन। ठीक है, रैंडमाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है वेरियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में वहाँ पर अगर हम एलोकेट करते हैं बाय द रैंडम प्रोसेस तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडमाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है? ये मिनिमाइज करता है रैंडम वेरिएशन को। ठीक है, तीसरा है लोकल कंट्रोल। ठीक है, इसको हम लोग एरर कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी मतलब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं किसमें? तो इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स कॉल द ग्रुप ब्लॉक। ठीक है, तो हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट मटेरियल है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, उसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, सो दैट कि वो ग्रेटर होमोजिनिटी दिखाएं। ठीक है, होमोजिनस आए, सो दैट कि हमारा जो कंट्रोल एरर है वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल कंट्रोल और एरर कंट्रोल। ठीक है, लोकल कंट्रोल क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है एक्सपेरिमेंटल एरर को, इसके वजह से जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है? और पावरफुल बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लोकल कंट्रोल इज नॉट अप्लाइड फॉर द डिजाइन। ठीक है, जो लोकल कंट्रोल है ये किसके लिए अप्लाइड नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, CRD। ठीक है, CRD का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन। ठीक है, और RBD क्या होता है? RBD का रैंडमाइज डॉग डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकल कंट्रोल है वो CRD में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, CRD का फुल फॉर्म तो देख लिया है, कंप्लीट रैंडमाइज डिजाइन। तो ये क्या होता है? ये एक तरह का वन वे क्लासिफिकेशन है एंड नो वे कंट्रोल और एलिमिनेशन है। ठीक है, ये अप्लाई किया जाता है जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो हम लिमिटेड होता है तब हम इसको अप्लाई करते हैं और ये होमोजीनियस रहता है, होमोजीनियस ही नेचर रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो सॉइल रहता है वो वहाँ पे जो आपको होमोजीनियस देखने को मिलेगा, जो सॉइल का नेचर है। ठीक है, उसी का बात कर रहा है होमोजीनिटी। उसके बाद जो है ना, ये CRD में क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, अगर हम कंपेयर करें किसी और डिजाइन से। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकल कंट्रोल नहीं यूज होता है। ठीक है, इन CRD तो इतने आपको पॉइंट जो है ध्यान रखना है। और RBD क्या होता है? रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। ये क्या होता है? टू वे क्लासिफिकेशन होता है एंड वन वे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है
The ANOVA is a tool by which total variation may be split up into several physical assignable components was defined by. ठीक है, ये ANOVA का डेफिनेशन है. ANOVA क्या है, एक तरह का टूल है जहाँ पे जो है टोटल वेरिएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं टोटल वेरिएशन को. ठीक है, कितना तो इतना इनटू द सेवरल फिजिकली असाइनेबल कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, तो ये किसने डिफाइन किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर ए फिशर. ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा एनोवा के बारे में जान लीजिए. जो एनोवा है ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करता है. ठीक है, किसका एनालिसिस करता है, तो वेरिएंस का जो है ये एनालिसिस करता है. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, तो आर ए फिशर ने दिया था. तो कॉन्सेप्ट आर ए फिशर ने दिया था, तो और ये जो डेफिनेशन है, ये भी जो डेफिनेशन है ये आर ए फिशर ने ही दिया है. ठीक है, ये एक तरह का स्टैटिस्टिकल टेक्निक है. ठीक है, जहाँ पे पार्शनिंग किया जाता है टोटल वेरिएशन का इंटू द कॉम्पोनेंट वेरिएशन एंड कंप्यूटिंग देम बाय एफ टेस्ट. ठीक है, जो एनोवा टेबल है हम लोग जो भी हम लोग कंप्यूट करते हैं टोटल वेरिएशन को, जब हम लोग उसको डिफरेंट कॉम्पोनेंट वेरिएशन में जब हम लोग उसको स्प्लिट कर देते हैं, उसके बाद जो कंप्यूट करते हैं, तो किससे हेल्प से करते हैं, तो एफ टेस्ट के हेल्प से करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ. ठीक है, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये किसके इंडिपेंडेंट में है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ऑरिजिन. ठीक है, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये इंडिपेंडेंट रहता है ऑरिजिन के. ठीक है, बट नॉट ऑफ द स्केल. ठीक है, स्केल के इंडिपेंडेंट नहीं रहता, बट ऑरिजिन के इंडिपेंडेंट रहता है. ठीक है, बाय ऑरिजिन मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि देयर विल बी नो इफेक्ट. ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट पे. अगर कोई कांस्टेंट है वो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जैसे कि इसमें क्या हुआ कि बाय ऑरिजिन इंडिपेंडेंट है ऑरिजिन से, मतलब कि अगर हम लोग कोई भी वैल्यू अगर हम मतलब कोई भी वैल्यू अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्या होगा कि कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट पे. लेकिन बाय स्केल मतलब हम लोग क्या मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो है, अगर हम लोग उसको आइदर मल्टीप्लाई किए या फिर डिवाइड किए कोई भी कॉन्स्टेंट के साथ, तो क्या होगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो चेंज हो जाएगा. मतलब ऐसा कह सकते हैं जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ऑरिजिन के, बट वो डिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल के. ठीक है, ये क्या है, डिपेंडेंट है यहाँ पे, लेकिन जो ऑरिजिन वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रिग्रेशन कॉफिशियंट है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ऑरिजिन के, बट ये डिपेंडेंट होता है स्केल पे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कि द कोरिलेशन कॉफिशियंट इज अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू. ठीक है, जो कोरिलेशन कॉफिशियंट है वो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन किसके किसके बीच में. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रिग्रेशन कॉफिशियंट. ठीक है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन टू रिग्रेशन कॉफिशियंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कॉफिशियंट. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन कॉफिशियंट हम लोग आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर टू प्लस माइनस रूट अंडर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. ठीक है, जो वेयर जो बी एक्स वाई वो क्या है, वो रिग्रेशन कॉफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई. ठीक है, और जो बी वाई एक्स है वो क्या है, जो बी वाई एक्स है मतलब रिग्रेशन कॉफिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स है. ठीक है, तो ये जो है इसका फॉर्मूला है, और ये आपको ध्यान रखना है जो कोरिलेशन कॉफिशियंट है वो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कॉफिशियंट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच डिजाइन प्रोवाइड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एरर एज कम्पेयर टू दी विद अदर डिजाइन फॉर द गिवन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स. ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. अभी जस्ट सबसे पहले मैंने बताया था कि किसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो देखने को मिलता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एरर. ठीक है, अगर आप सही आंसर दे पा रहे हैं मतलब कि आप पूरे अटेंटिव है इस क्लास में. ठीक है, आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि एनालाइज कर सकते हैं आप कितने अटेंटिव हो रहे हैं. ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, सी आर डी. ठीक है, सी आर डी का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्प्लीटली रैंडमाइज डिजाइन. ठीक है, कम्प्लीट रैंडमाइज डिजाइन ये क्या है, एक तरह का वन वे क्लासिफिकेशन, नो वे कंट्रोल और एलिमिनेशन है. ठीक है, ये कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हमारा लिमिटेड रहता है एंड होमोजीनियस रहता है, तो वहाँ पे हम जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि सॉइल इन अ पॉट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है किसी भी एरर के लिए फॉर अ गिवन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, अगर हम लोग किसी और डिजाइन से कंपेयर करें तो. ठीक है, और यहाँ पे लोकल कंट्रोल यूज नहीं होता है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो लोकल कंट्रोल इज नॉट यूज इन सीआरडी. ठीक है,
और आरबीडी क्या है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. आरबीडी क्या है, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है, ठीक है. ये टू वे क्लासिफिकेशन एंड वन वे कंट्रोल है. इस डिजाइन में जो है हम लोग ये अप्रोप्रिएट रहता है अगर हम लोग जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट इन द फील्ड को अगर हम लोग देखते हैं वन डायरेक्शन में, तो ये जो है आरबीडी वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है. ये अप्रूव ओनली 20 ट्रीटमेंट के लिए एप्लीकेबल है. जो आरबीडी है ये अप्रूव 20 ट्रीटमेंट विदाउट एप्रिसिएबल लॉस ऑफ एफिशिएंसी जो है यहाँ पे ये होता है. आरबीडी जो है ये मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक जो है वो इक्वल रहता है नंबर ऑफ रेप्लीकेशन से, ठीक है. तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं आरबीडी के लिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच डिजाइन फॉलोज द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है. कौन सा डिजाइन जो है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होता है, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एलएसडी, ठीक है. जो एलएसडी डिजाइन है वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स स्कल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है. तो एलएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लैटिन स्क्वायर डिजाइन, ठीक है. लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो है एलएसडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है. एसपीडी क्या होता है, तो एसपीडी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, ठीक है. ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है. एसपीडी को बोलते हैं स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, एलएसडी को बोलते हैं लैटिन स्क्वायर डिजाइन, ठीक है. एलएसडी क्या होता है, तो ये थ्री वे क्लासिफिकेशन है एंड टू वे कंट्रोल ऑफ एरर होता है, ठीक है. ये जो टर्म स्क्वायर है वो यहाँ पे यूज किया जाता है एलएसडी, बिकॉज जो नंबर ऑफ रोज है और कॉलम्स है वो यहाँ पे इक्वल रहता है, ठीक है. तो इसके वजह से यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म यूज होता है, ठीक है. लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो है लैटिन स्क्वायर स्क्वायर टर्म क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है वो यहाँ पे इक्वल रहता है, ठीक है. ये डिजाइन जो है यूज करते हैं जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट जो है ना वो हम दो डायरेक्शन में जब देखते हैं, तो हम ये वाला डिजाइन जो है वो यूज करते हैं, ठीक है. ये सुटेबल रहता है 5 से 8 ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है. या फिर 5 से 12 तक भी है जो ट्रीटमेंट रह सकता है, ठीक है. इसको यूज कर सकते हैं. और मिनिमम एरर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसको यहाँ पे 12 लेना रहता है, ठीक है. तो मिनिमम एरर एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी 12, और इसको हम लोग लेस देन 5 ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है. एलएसडी को अगर हम लोग के पास अगर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 5 या लेस देन 5 है तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन होता है वो इक्वल टू रहता है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, और दूसरा ये जिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है. इतना आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट अ ट्रीटमेंट रिक्वायर्स लार्ज नंबर लार्ज एरिया एंड बी ट्रीटमेंट रिक्वायर्स अ स्मॉल एरिया डिफरेंट प्रिसीजन, विच डिजाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है. यहाँ पे ए ट्रीटमेंट जो है जिसको लार्ज एरिया चाहिए, ठीक है, और एक दूसरा है बी ट्रीटमेंट जिसको स्मॉल एरिया चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे कौन सा जो डिजाइन है वो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है. स्प्लिट प्लॉट डिजाइन यूज करेंगे जब एक ट्रीटमेंट, जैसे एक ट्रीटमेंट है जिसका लार्जर रिक्वायर एरिया चाहिए और दूसरा ट्रीटमेंट बी है अगर उसमें स्मॉलर एरिया चाहिए, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे स्प्लिट प्लॉट डिजाइन यूज करेंगे, ठीक है. तो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन क्या होता है कि एक ऐसा लेआउट है जहाँ पे वन सेट ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको असाइन किया गया है लार्जर प्लॉट के लिए. उसको लार्ज प्लॉट को हम लोग मेन प्लॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है. जहाँ पे जो है रेप्लिकेशन हो रहा है और उसको फिर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. और जो दूसरा सेट ऑफ ट्रीटमेंट है वो उसको कहते हैं सब डिविजन ऑफ द मेन प्लॉट, ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज सब प्लॉट, ठीक है. और इसी पूरे लेआउट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, ठीक है. और इतना आपको ध्यान रखना है कि स्प्लिट प्लॉट डिजाइन क्या होता है. ये यहाँ पे डेफिनेशन था कि अगर हम लोग एक अगर एक जो ट्रीटमेंट वन सेट ऑफ ट्रीटमेंट जहाँ पे लार्ज प्लॉट हो रहा है जिसको मेन प्लॉट बोल रहा है, दूसरा जो है अनदर सेट ऑफ ट्रीटमेंट जो कि सब डिविजन है मेन प्लॉट का उसको सब प्लॉट बोल रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज अ स्क्वायर ऑफ, ठीक है. तो क्या कह रहा है, जो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है वो किसका स्क्वायर है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है. जो कोफिशिएंट डिटरमिनेशन होता है वो स्क्वायर होता है कोरिलेशन का, ठीक है. इसके वजह से जो कोफिशिएंट ये क्या कितने से रेंज करता है, 0 to 2, 0 to 1 से जो है इसका रेंज होता है. अगर लीनियर इग्रेशन में होता है तो कोफिशियंट ऑफ डिटरमिनेशन जो है वो इक्वल टू द होता है स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल, ठीक है. अगर अगर आर स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. लेकिन जब अगर आर स्क्वायर अगर इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, विदाउट एनी एरर के, ठीक है. और अगर आर स्क्वायर जो है वो रेंज करता है 0 से 1 के बीच में, तो ये इंडिकेट करता है कि जो एक्सटेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है. मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है और उसको रिवाइज करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चाई स्क्वायर टेस्ट इज अप्लाइड फॉर, ठीक
ठीक है, जो चाई स्क्वायर टेस्ट है, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या है, ये चाई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है, चाई स्क्वायर इसको पढ़ते हैं, और इसका सिंबल है इस तरीके से, इसका सिंबल रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं चाई, तो चाई स्क्वायर टेस्ट इज अप्लाइड फॉर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो चाई स्क्वायर टेस्ट जो है हम लोग टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए यूज करते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम एंड डिटेक्शन ऑफ लिंकेज के लिए, टेस्टिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रेशियो, ठीक है। तो चाई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, तो ये ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि कंपेयर करता है ऑब्जर्व रिजल्ट को विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। ये क्या करता है, कंपेयर करता है, जैसे हमने जो रिजल्ट हमने ऑब्जर्व किया उसके उसको और उसके साथ हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट को, ठीक है। जो पर्पस रहता है इस टेस्ट का, ये डिटरमाइन करता है कि जो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व डाटा एंड एक्सपेक्टेड डाटा है वो क्या चांस की वजह से हुआ है, या फिर वो रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। जो हम लोग जो जिस वेरिएबल्स का हम स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअली में कोई रिलेशनशिप वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, या फिर वो बस चांस की वजह से वो रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो है डिफरेंस बताता है, डिटरमाइन करता है कि हम लोग बिटवीन द ऑब्जर्व डाटा एंड एक्सपेक्टेड डाटा, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है चाई स्क्वायर टेस्ट के, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये तो एप्लीकेशंस है ही, और कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, तो टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ इट, वहाँ पे चाई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द रेशियोज ऑफ वेरियस क्लासेस, टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, फॉर डिटेक्शन ऑफ लिंकेजेस, टू स्टडी जीन फ्रीक्वेंसीज एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट बिटवीन टू मीन, ठीक है। यहाँ इस सब जगह जो है चाई स्क्वायर टेस्ट का हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई करके ये सब का स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट टू बी सिमेट्रिकल इफ द वैल्यूज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड दी, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर वैल्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड किसके, ठीक है, मेन मीडियन मोड जो यहाँ पे मीन डेविएशन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीन, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल रहता है अगर जो वैल्यू है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द मीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप वन एरर इज नोन एज, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी रहता है अगर हम लोग टाइप वन एरर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी रहता है कमिटिंग ऑफ टाइप वन एरर, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है टाइप वन एरर में कि हम लोग रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को जब वो एक्चुअली ट्रू रहता है, ठीक है, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी का दूसरा नाम है क्या, लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप वन एरर को हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसको ध्यान रखना है किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। और जनरली अगर हम लोग फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेते हैं, अगर हम लोग नहीं तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, व्हेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द मीन इट इज सेट टू बी, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, नॉट सिमेट्रिकल, तब ये सो हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्यूड, ठीक है। जो स्क्यूनेस होता है वो हम लोग डिफाइन करते हैं जब जब डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री होता है या फिर लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग बीटा वन से जो है इसको डिनोट करते हैं। स्क्यूनेस दो तरह का होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। जो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्क्यूनेस के अंदर दो तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा कैसा, तो यहाँ पे एक एक देखने को मिलता है सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक देखने को मिलता है एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्क्यूनेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन, ठीक है, ये इक्वल रहता है किसके अंदर, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। और एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जहाँ पे मीन इक्वल टू नॉट मीडियन इक्वल टू नॉट मोड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्क्यूनेस है उसका मतलब क्या होता है कि जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि सिमेट्री से वो जो सिमेट्री है वो वहाँ से डेविएट कर जाता है, या फिर लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, तो इसको हम लोग स्क्यूनेस बोलते हैं। दो तरह का स्क्यूनेस होता है, पॉजिटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। और स्क्यूनेस में हम लोग को दो तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैं फिर से रिपीट कर दें सो दैट कि आप अच्छे से समझ पाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है।
दो तरह का कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन होता है, ठीक है। लेकिन एसिमेट्रिकल में क्या होता है, मीन इक्वल टू नॉट मीडियन इक्वल टू नॉट मोड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इफ टू फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड बोथ दी फैक्टर्स रिक्वायर लॉन्ग प्लॉट साइजेस, ठीक है। दो फैक्टर्स है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन में ले रहे हैं और दोनों फैक्टर्स रिक्वायर लॉन्ग प्लॉट साइज, तो जो डिजाइन है वो कौन सा सूट रहेगा, ठीक है, कौन सा सूट करेगा, कौन सा अच्छा जो है हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रिप प्लॉट, ठीक है। जो स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन है वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। जो स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SRPD भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, SRPD, स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। ये जो डिजाइन है तब हम लोग यूज कर सकते हैं जब दोनों फैक्टर जो है उसको रिक्वायर है रिलेटिवली लार्ज एरिया, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग जो दो फैक्टर यूज कर रहे हैं इसको क्या चाहिए होता है, रिलेटिवली लार्ज एरिया चाहिए होता है, तो तब हम ये वाला डिजाइन जो यूज कर सकते हैं। कौन सा डिजाइन, तो स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो सब प्लॉट ट्रीटमेंट है वो अप्लाई किया जाएगा इन द स्ट्रिप इंस्टेड ऑफ रैंडमाइजिंग इन ईच यूनिट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जो यहाँ पे सब प्लॉट ट्रीटमेंट जो हम लोग करेंगे वो हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पे, तो स्ट्रिप में अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, उसको रैंडमाइज करते थे इन ईच यूनिट, लेकिन यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, अप्लाई कर देंगे इन स्ट्रिप्स इंस्टेड ऑफ रैंडमाइजिंग इन ईच यूनिट, ठीक है। इस डिजाइन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एरर्स होते हैं वो इक्वल रहता है नंबर ऑफ प्लॉट साइज के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज कंटिन्यूअस विच डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा जो है कंटिन्यूअस रहता है तो हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन कितने दो तरह का है, एक है हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक है हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो यहाँ पे हम लोग नंबर लेते हैं वो ओनली इंटीजर वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, ठीक है, ओनली इंटीजर वैल्यूज लिया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इसके दो एग्जाम्पल है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो आते हैं इसमें क्या होता है कि जो हम लोग वैल्यू लेते हैं वो कोई भी पॉसिबल, ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो है इन द गिवन रेंज जो है यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज कंटिन्यूस विद डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बायनोमियल और पॉइजन में क्या होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डीलिंग विद डैश वेरिएंट्स, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कौन कौन से, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहाँ पे एक्स जो है वहाँ पे ओनली इंटीजर वैल्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आ जाएगा आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्रीट, ठीक है। जो बायनोमियल है यहाँ पे, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे दिखाता है कौन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइजन होता तो पॉइजन में भी डिस्क्रीट होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे जो है एक्स जो है ऑल पॉसिबल वैल्यू जो है इन अ गिवन रेंज ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, कौन साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये जेम्स बर्नौली ने दिया था इन 1700 AD, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसने दिया था, तो जेम्स बर्नौली साइंटिस्ट नाम थे, उन्होंने दिया था, ठीक है, उन्होंने ही बर्नौली ट्रायल करके बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट, देन द इवेंट्स आर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, अगर वो कम्प्लीटली अनअफेक्टेड है बाय द अकरेंस ऑफ किसी और इवेंट के, ठीक है, तो उस टाइप के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अगर कोई भी इवेंट जो है अगर वो अफेक्ट हो रहा है बाय अदर इवेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो ये जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई भी इवेंट है, कोई पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, या फिर कोई भी अकरेंस है या नॉन अकरेंस है, अगर वो अगर क्या हो रहा है कम्प्लीटली अनअफेक्टेड है, या फिर वो कम्प्लीटली कोई भी उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं दूसरे अकरेंस या नॉन अकरेंस ऑफ किसी और इवेंट के, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। अगर ये डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी इवेंट जो है अगर वो अफेक्ट हो रहा है किसी अदर इवेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है कि अगर कोई भी अगर एक इवेंट अकर हो रहा है तो अगर वो एक्सक्लूड कर सकता है अकरेंस ऑफ अदर इवेंट को, तो उस टाइप की इवेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है।
इसमें क्या हुआ कि टू इवेंट्स जो है उनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इन सेट थ्योरी, यहाँ पे दे रखा है सेट थ्योरी में कंडीशन, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो कि सेट थ्योरी में होता है, ये इसको ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो है वो स्टेट करता है कि अगर हम लोग टेकिंग द यूनियन ऑफ अ सेट टू द इंटरेक्शन टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू अदर सेट्स इज द सेम एज टेकिंग द यूनियन ऑफ द ओरिजिनल सेट एंड बोथ द अदर टू सेट सेपरेटली एंड देन टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है कि हम जो मतलब कि अगर हम लोग यूनियन सेट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ये ए यूनियन बी यूनियन सी है, अगर हम लोग यूनियन सेट ले रहे हैं तो ये एक ए जो है ये क्या है, बी और सी का क्या इंटरसेक्शन है टू अदर सेट का, ठीक है। बी सी क्या है, इंटरसेक्शन है टू अदर सेट्स का, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इक्वल टू हो जा रहा है किसका, तो यूनियन ऑफ द ओरिजिनल सेट, ठीक है, जो इंडिविजुअल है ए ए सेट बी और ए सेट सी, ये इंडिविजुअल का जो है यहाँ पे रिलेशन देख रहा मतलब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसी इसी रिजल्ट को जो है इक्वल है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी ऑफ सेट थ्योरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, टू फाइंड आउट सी डी वैल्यूज ऑफ डिजाइन व्हाट टेस्ट इज यूज, ठीक है। तो अगर हम लोग को सी डी अंदर क्रिटिकल डिफरेंस निकालना है तो हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी टेस्ट, ठीक है। हम लोग सी डी निकालने के लिए टी टेस्ट करेंगे। जो टी टेस्ट है ये किसने दिया था, तो ये साइंटिस्ट डब्ल्यू एस गॉसेट ने दिया था, कब, 1905 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि टी टेस्ट किसने दिया था, तो डब्ल्यू एस गॉसेट ने दिया था, कब, 1905, ठीक है। हम लोग टी टेस्ट कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो सैम्पल साइज है वो लेस देन 30 रहता है, ठीक है, जब सैम्पल साइज स्मॉल रहता है या फिर लेस देन 30 रहता है तब हम लोग जो है टी टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जेड टेस्ट कब यूज़ करते हैं, ये लार्ज सैम्पल के लिए मेनली यूज़ करते हैं, कब, जब हमारा जो सैंपल साइज है वो मोर देन 30 है, ठीक है, तब। तो जो टी टेस्ट है ये हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम लोग को पॉपुलेशन मीन निकालना हो तो हम लोग वहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन, तो हम लोग ये टी टेस्ट यूज करेंगे, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट, या फिर टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, या फिर टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैम्पल और रिग्रेशन कोफिशिएंट, या फिर टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये सब जगह जो है यहाँ पे टी टेस्ट का जो है एप्लीकेशन है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल, ठीक है, ये जो यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल होता है उसका क्या रोल है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, टू एस्टिमेट द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द फील्ड, ठीक है। जो यूनिफॉर्मिटी ट्रायल ये क्यों करता है, तो ये फर्टिलिटी स्टेटस को एस्टिमेट करने के लिए करता है, ठीक है। जो यूनिफॉर्मिटी ट्रायल है वो इनेबल करता है टू हैव एन आइडिया अबाउट द फर्टिलिटी वेरिएशन ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी ट्रायल से क्या होता है कि जो भी ट्रायल कर रहा है फील्ड में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के साथ, तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू द स्मॉल यूनिट्स, जिसको हम लोग प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। एंड जो सेम ट्रीटमेंट होता है वो अप्लाई किया जाता है ऑन ईच ऑफ द यूनिट्स एंड द यील्ड्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो कैसे क्या होता है ये आप ध्यान से समझ लीजिए, कैसे करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो ट्रायल होता है फील्ड में उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इनटू द स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, जिसको हम लोग प्लॉट बोल रहे हैं। जैसे ये है ट्रायल, तो इसको हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है, इनटू द स्मॉल यूनिट्स, इसको हम लोग प्लॉट बोल रहे हैं, ठीक है। और यही सेम ट्रीटमेंट जो है अप्लाई किया जाता है ऑन ईच यूनिट, से जितने भी यूनिट्स है फिर यहाँ पे जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है, और फिर हम लोग जो है यहाँ पे यील्ड को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फर्टिलिटी स्टेटस को जो है यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज वेरी लेस एंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आर वेरी लार्ज, विच डिजाइन इज मोर सूटेड, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा कम है और नंबर ऑफ जीनोटाइप्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑगमेंटेड डिजाइन, ठीक है, ऑगमेंटेड डिजाइन यूज करेंगे। ऑगमेंटेड ब्लॉक डिजाइन जो है ये किसने दिया था, तो फेडरर ने दिया था इन 1956, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब दिया था, 1956 में, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे जो इनिशियल इवेल्युएशन होता है लार्ज सेट ऑफ जर्मप्लाज्म का, ठीक है, एसेशन टू सेलेक्ट जीनोटाइप सुटेबल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप ब्रीडिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग लार्ज सेट ऑफ जर्मप्लाज्म ले रहे हैं, यहाँ पे जर्मप्लाज्म या फिर जीनोटाइप बोलो यहाँ पे लार्ज नंबर में ले रहे हैं, ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वो लिमिटेड है, ठीक है, वो लिमिटेड है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब वो बहुत ज्यादा नंबर में नहीं प्रेजेंट रहता है, लिमिटेड रहता है, और क्या रहता है कि जो जर्मप्लाज्म है जीनोटाइप रहता है बहुत लार्ज नंबर रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और किस डिजाइन को अप्लाई करते हैं, तो ऑगमेंटेड डिजाइन जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है।
जो ऑगमेंटेड डिजाइन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, जो ऑगमेंटेड डिजाइन रहता है वो क्या होता है कि इसमें जो भी इनिशियल सीट जो रहता है वो लिमिटेड रहता है इन क्वांटिटी, ठीक है, और फिर उसको रेप्लिकेट किया जाता है, और उसके साथ क्या होता है कि वहाँ पे फेलियर को भी इंश्योर किया जाता है, ठीक है, कि जो होमोजेनस एक्सटर्नल यूनिट्स है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड फील्ड डिजाइन का, ठीक है, इस डिजाइन को जो है हम लोग यूज करते हैं एज अ प्रोसीड्योर जहाँ पे लार्ज अमाउंट टेस्ट एंट्रीज किया जाता है सो दैट कि हम लोग इवेल्युएट कर सके अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड चेक, ठीक है, यहाँ पे चेक भी किया जाता है, उसके साथ रेप्लिकेट किया जाता है रैंडमली इन ऑल ब्लॉक्स, और जो डाटा रहता है फ्रॉम द चेक्स उसको यूज किया जाता है सो दैट कि हम लोग एडजस्ट कर सके मीन वैल्यूज को ऑफ द टेस्ट एंट्रीज, ठीक है, सो दैट कि हम लोग उसको कंपेयर कर सके और हम लोग एक्सटर्नल एरर को जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कॉमोडिटीज, ठीक है, जो कोरिलेशन रहता है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ कॉमोडिटी वो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेगेटिव, ठीक है। तो दो तरह का कोरिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, दो तरह का कोरिलेशन देखने को मिलता है, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव, ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल जो है वो वैरी कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन दैट इज वन इज इंक्रीजिंग एंड द अदर ऑल्सो इंक्रीजिंग या फिर वाइस वर्सा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं, अगर दोनों वेरिएबल जो है अगर वो वैरी कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन में कि जो दो जो जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है, इस टाइप को पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। अगर एक वेरिएबल जो है वो बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल घट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब कि यहाँ पे एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है अगर अदर वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है या फिर वाइस वर्सा, तो उसको हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस डिमांड के रिलेशनशिप में अगर प्राइस बढ़ता है, कब प्राइस बढ़ता है जब डिमांड उसका घट जाता है, ठीक है, डिमांड कम रहता है प्राइस बढ़ जाता है, अगर डिमांड ज्यादा रहेगा तो प्राइस उसका घट जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो ये जो प्राइस एंड डिमांड है वो क्या था इनवर्सली रिलेटेड रहता है, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड रहने से मतलब कि क्या, जब प्राइस ऑफ द गुड जब इंक्रीज होगा तो डिमांड जो ऑफ द कमोडिटी है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, इस ऐसा क्यों होता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है, या पढ़िया इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि प्राइस एंड डिमांड है इसका इनवर्सली रिलेशन होता है, इसकी वजह से क्या होगा जो कोरिलेशन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन डज नॉट फॉलो लोकल कंट्रोल, ठीक है, लोकल कंट्रोल जो है वो कहाँ पे नहीं होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, ठीक है। कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन क्या होता है, तो कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन जो होता है यहाँ पे जो है वन वे क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, नो वे कंट्रोल देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता है, ये जो है यहाँ वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे जो एक्सटर्नल मटेरियल वो लिमिटेड है और वहाँ पे होमोजेनिटी देखने को मिलती है, जैसे एग्जाम्पल की पॉट एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो वहाँ पे जो सॉइल है वो वहाँ पे होमोजेनस रहता है और लिमिटेड भी रहता है, ठीक है। ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर जो वो प्रोवाइड करता है जहाँ पे फॉर द गिवन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, सो दैट हम अदर डिजाइन से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे लोकल कंट्रोल यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, लोकल कंट्रोल यूज नहीं किया जाता है इन सीआरडी कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन है, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, क्या बोल रहा है इन द एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस व्हाट इज द नेम ऑफ द एडिशनल वेरिएबल, ठीक है, अगर एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस करते हैं तो एडिशनल वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल, ठीक है, जो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस जो है वो कॉम्बिनेशन है एनालिसिस ऑफ वेरियंस का एंड रिग्रेशन एनालिसिस का, ठीक है, कभी कभी ऑब्जर्वेशन करने समय क्या होता है कि हम लोग वन या फिर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ले लेते हैं, जैसे कि जो हम जो मेन हमारा वेरिएबल है उसके अलावा जो है हम लोग दूसरा वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, स्टडी करने समय फ्रॉम ईच एक्सटर्नल यूनिट, ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंसिलरी भी बोलते हैं या फिर कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, यही कह रहा है कि जो एडिशनल वेरिएबल हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल, कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल के जो एंसिलरी रहेगा तो ये भी आंसर हो जाएगा हमारा एंसिलरी वेरिएबल, तो इसको हम लोग दोनों नाम आपको जाना है, यहाँ पे जो एडिशनल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको क्या बोल रहे हैं कॉन्कोमिटेंट और एंसिलरी वेरिएबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के वो क्या क्या है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कौन कौन से तीन प्रिंसिपल हैं, तो पहला रेप्लिकेशन, सेकंड है रैंडमाइजेशन एंड थर्ड है लोकल कंट्रोल या एरर कंट्रोल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या होता है, तो रेप्लिकेशन क्या होता है, यहाँ पे जो रिपीटेशन करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट का अंडर द इन्वेस्टिगेशन उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि सो दैट कि जितने भी ट्रीटमेंट है वो हर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन द फील्ड में, ठीक है।
दूसरा हमारा रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या होता है कि हम लोग अगर एलोकेट कर रहे हैं किसी भी ट्रीटमेंट को इन द वेरियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ठीक है, बाय द रैंडम प्रोसेस, उसको हम लोग रैंडमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि मिनिमाइज कर देता है रैंडम वेरिएशन को। तीसरा हमारा लोकल कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ये एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को डिवाइड करते हैं इंटू द डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स को क्या बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है, सो दैट कि हम लोग ग्रेटर होमोजेनिटी ला सके वहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोकल कंट्रोल। ये डिवाइडिंग वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट को इंटू द स्मॉल डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं लोकल कंट्रोल बोल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, द शेप एंड साइज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट एंड ब्लॉक विल बी डिटरमाइंड बाय, ठीक है। मतलब कि जो शेप एंड साइज है एक्सपेरिमेंटल प्लॉट का, ये किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेयरफील्ड स्मिथ इंडेक्स, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ही शेप एंड साइज ऑफ द एक्सटर्नल ब्लॉक प्लॉट एंड ब्लॉक को जो है डिटरमाइन किया था, ठीक है। तो ब्लॉक क्या होता है, तो ये जो हमारा ये जो इससे बॉक्स होता है इसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। फिर इसको जब हम लोग छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम लोग प्लॉट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्लॉट और ब्लॉक में क्या है, ये इंटायर डब्बे को हम लोग क्या बोल रहे हैं ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक, और ये छोटे छोटे यूनिट्स है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं प्लॉट्स, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या था किया था इन्होंने फेयरफील्ड स्मिथ ने, ठीक है। किस पे किया था इन्वेस्टिगेशन, तो इफेक्ट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द प्लॉट एंड ब्लॉक पे जो इन्होंने कंडक्ट किया था, ठीक है। इन्होंने एक रिलेशनशिप भी दिया था जिसको बोलते हैं हम लोग आज के हमें जानते हैं फेयरफील्ड स्मिथ वेरिएशन वेरियंस लॉ ऑफ लॉ, ठीक है, जिसको फॉर्मूला से गिवन उन्होंने दिया है। कैसे दिया है, तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वल टू वी वन अपॉन एक्स टू द पावर बी, ठीक है। तो वी एक्स क्या है, वी एक्स मतलब यहाँ पे वेरियंस ऑफ द यील्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम प्लॉट ऑफ साइज है, ठीक है। और जो बी है वो सॉयल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बी यहाँ पे क्या है सॉयल कैरेक्टरिस्टिक जो कि वैरी कर रहा है जीरो इसक्वल टू बी या फिर वन के, ठीक है, ये इसका रेंज है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मेनली ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज, ठीक है, ऐसे वैल्यूज जो कि हम लोग जो फ्रीडम में वैरी कर रहे हैं और या फिर जो भी डाटा सैंपल हम लोग लिए हैं, ठीक है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये कॉमनली डिस्कस करता है रिलेशन टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जैसे कि चाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन को हम लोग बोल रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर, हु इज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर ए फिशर, ठीक है। जो आर ए फिशर है वो वर्ल्ड के फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। अगर यहाँ पे इंडिया लिखा होता, ठीक है, इंडिया लिखा होता तो क्या होता, यहाँ पे नेम आ जाता प्रशांता चंद्र महालनोबिस, ठीक है, वो नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कौन है, तो प्रशांता चंद्र महालनोबिस, ठीक है, ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स है। अगर फादर ऑफ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स लिखा रहेगा तो क्या होगा आर ए फिशर, ठीक है। वर्ल्ड या फिर नहीं भी लिखा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये वर्ल्ड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अगर इंडियन मेंशन होगा तो समझिए वो इंडिया के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है इंडिया, तो क्या होगा हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आर ए फिशर आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग इफको एजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इफको एजीटी, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसका प्राइस है 1600 रुपीज, ठीक है। अभी 60% ऑफ चल रहा है जिससे आपको बेनिफिट होगा, इसके वजह से आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये आपका वैलिड रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको रिकॉर्ड सेशंस मिलेंगे, ठीक है, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आप 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल है जो कि बहुत अच्छा है। आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, वहाँ पे आप रैंक चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे और इसी में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। ये जो इफको एजीटी का कोर्स है इसमें आपको प्री प्लस मेन्स प्लस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। आपको सब एग्जाम का गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ से जो है 25+ स्टूडेंट का जब वो सिलेक्शन हो चुका है इफको एजीटी एग्जाम, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है इंडिया में, और आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो, ठीक है। हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो काफी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाइए आप उस लिंक को क्लिक करके विजिट करिए, ठीक है। वहाँ से आप हमारा कोर्स डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं या फिर ये जो स्क्रीन पर दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है तो
ये जो स्क्रीन पे जो दिया गया है नंबर, यहाँ पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स मिल जाएंगे इस कोर्स के बारे में। अगर आप और भी क्वेरीज है कोर्स रिलेटेड तो आप यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, पाई डायग्राम इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, जो पाई डायग्राम है वो किस टाइप का डायग्राम है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 2 डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, 2 डायमेंशनल डायग्राम मतलब क्या होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जिस डायग्राम को हम लोग बना सकते हैं उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, मतलब कि 2 डायमेंशनल मतलब क्या हो गया कि जिसको हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसके डाटा को। ठीक है, और जो पाई चार्ट होता है वो क्या होता है कि एक तरह का स्टैटिस्टिकल ग्राफ होता है जिसको यूज किया जाता है एज अ सर्कल, और उसके सेक्टर को जो उसके जो सेक्टर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, पाई डायग्राम है, और क्या होता है इसके जो सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे जो है ये डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, 2 डायमेंशनल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, द स्टूडेंट टी टेस्ट वॉज गिवन बाई। ठीक है, तो मैंने जिस बताया था कि क्या होगा, किसने दिया था टी टेस्ट, तो डब्ल्यू एस गॉसेट। ठीक है, यहाँ पे एस छूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एस गॉसेट ने जो है वो टी टेस्ट को दिया था, कब दिया था, तो 1905 में जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, यहाँ को याद रखना 1905, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम समय पूछा जाता है कि जो स्टूडेंट टी टेस्ट है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था और कौन से ईयर में। ठीक है, तो आपको साथ साथ में क्या ईयर भी याद रखना है कि कौन दिया था, डब्ल्यू एस गॉसेट ने दिया था, और कब दिया था, तो 1905 में जो है दिया था। ठीक है, जो स्टूडेंट टी टेस्ट होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जो सैम्पल साइज स्मॉल होता है, सैम्पल साइज जब स्मॉल होता है तो हम लोग वहाँ पे टी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, कितने साइज के लिए, तो लेस देन 30, जो साइज था लेस देन 30, तब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टी टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 31 कह रहा है, वी यूज स्टूडेंट टी टेस्ट। ठीक है, जस्ट अभी मैं बताया कि स्मॉल सैम्पल साइज के लिए यूज करते हैं, कितना, तो लेस देन 30 के लिए। आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सैम्पल साइज लेस देन 30। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 नंबर, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू। ठीक है, जो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है वो किसके इक्वल में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये एस डी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है ये क्या होता है, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को किससे डिनोट करते हैं, सी वी। ठीक है, सी वी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये क्या होता है, एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, अगर इसको सिंबल में करें तो हम लोग यहाँ पे मीन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स बार लिख सकते हैं, एक्स बार मतलब मीन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी जनरली कभी कभी बोलते हैं, अगर हम लोग 100 नहीं लिए तो हम लोग परसेंटेज में नहीं काउंट करेंगे, तब क्या होगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो क्या है, एक तरह का रेशियो है ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। ठीक है, जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेगा उतना ज्यादा जो है लेवल ऑफ डिस्पर्सन रहेगा अराउंड द मीन। ठीक है, ये जनरली जो एक्सप्रेस होता है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में जो है नॉर्मली रहता है। ठीक है, और जो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था वो किसने दिया था, ये आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ये गिवन बाय कार्ल पियर्सन। ठीक है, कार्ल पियर्सन जो थे ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, एज अ मेजर फॉर रिलेटिव वेरिएशन के लिए, किसको, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को किससे नोट करते हैं, सीवी से। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर्मुला देख लिया कि सीवी को क्या बोलते हैं, सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, और जो वैल्यू रहती है सीवी की वो ग्रेटर रहती है, अगर वो ग्रेटर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मोर वेरिएबिलिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है, या फिर लेस होमोजेनिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएशन ऐसे ही बता रहा है कि वेरिएशन जो है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा वेरिएबिलिटी, ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और लेस होमोजेनिटी देखने को मिल रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा होमोजेनिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर वैल्यू सीवी की लेस है, मतलब कि कम वेरिएशन देखने को मिल रहा है और होमोजेनिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हर्जी जी कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्क्यूनेस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0। ठीक है, जो स्क्यूनेस होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो 0 होता है, और जो या फिर कोई भी सिमेट्रिकल डाटा के लिए भी जो है स्क्यूनेस जो है वो नियर 0 होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू है कोई भी स्क्यूनेस का तो वो इंडिकेट करता है कि जो डाटा है वो स्क्यूड है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू जो है अगर किसी भी स्क्यूनेस का, तो इंडिकेट करता है जो डाटा है वो स्क्यूड है राइट की तरफ। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं स्क्यूनेस दो तरह का है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, अगर अगर जो डाटा स्क्यूड है लेफ्ट की तरफ, तो मतलब कि जो लेफ्ट टेल है वो लॉन्ग रहेगा रिलेटेड टू द राइट टेल। ठीक है, वैसे स्क्यूड राइट में क्या हो रहा है कि जो राइट टेल है वो लॉन्ग रहेगा रिलेटेड टू द लेफ्ट टेल। ठीक है, मतलब कि इफ द डाटा जो मल्टी मॉडल है तो इस इफेक्ट को जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब स्क्यूनेस क्या होता है,
तो स्क्यूनेस मतलब कि डिग्री ऑफ एसिमेट्री, ठीक है। स्क्यूनेस मतलब क्या होता है कि डिग्री ऑफ एसिमेट्री जो कि ऑब्जर्व होता है इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर, इन स्टैटिस्टिक्स स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ डैश ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में क्या था, स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, तो ये एसिमेट्री जो है वो मेजर करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे जो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एसिमेट्री, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगेन मैं फिर से बता देती हूँ कि स्क्यूनेस क्या होता है। तो स्क्यूनेस एक तरह का डिग्री ऑफ एसिमेट्री है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जिबिट कर सकते हैं राइट या फिर मतलब कि पॉजिटिव स्क्यूनेस और द लेफ्ट यानी कि नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है, फॉर द वैरिंग डिग्री। इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ पे जो है इस तरीके से जो बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एग्जिबिट करेगा रेड राइट, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलेंगे या फिर लेफ्ट नेगेटिव स्क्यूनेस बोलेंगे टू द वेरिंग डिग्री, ठीक है। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको वो एग्जिबिट करता है जीरो स्क्यूनेस, ठीक है। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो बेली शेप रहता है, ठीक है, बेल बेल कर्व रहता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जो राइट स्क्यूनेस रहता है, आप देख रहे हैं राइट स्क्यूनेस में कि जो टेल है आपको वो मतलब जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब राइट जो वहाँ पे कहा कि वहाँ पे जो जो राइट जो टेल है वो आपको वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि जो स्क्यूड राइट है वो मतलब कि जो राइट टेल है वो लॉन्ग देखने को मिलेगी, जैसे कि ये क्या है पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। यहाँ पे जो राइट टेल है वो देखिए आपको लॉन्ग देखने को मिल रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लेफ्ट टेल, ठीक है, लेफ्ट टेल से कंपेयर करते हैं यहाँ पे लॉन्ग है। ये नेगेटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या रहा है कि जो जो लेफ्ट टेल है वो आपको लॉन्ग देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू राइट टेल, तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 35 कह रहा है फर्स्ट स्क्यूनेस कॉफिशियंट इज, ठीक है, इसका ये बोल रहा है कि फर्स्ट स्क्यूनेस कॉफिशियंट क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो प्रोफेसर कार्ल पियर्सन थे उन्होंने कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस दिया था, ठीक है, उन्होंने कैसे दिया था, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस के से, ठीक है। कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस को एस के से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मीन माइनस मोड मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 36 कहना है विच इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, कौन जो है वो डिस्पर्सन को मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एस टी। एस टी मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ए मतलब अर्थमेटिक मीन, जी एम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, एन सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो जो एस टी है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वो मेजर क्या करता है, डिस्पर्सन को मेजर करता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है, मेजर करने के लिए क्या, डिस्पर्सन को, ठीक है। इट इज अ मेजर है, ये एक तरह का मेजर है जहाँ पे स्प्रेड ऑफ डाटा को जो है वो देखा जाता है अराउंड द मीन, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, तो इसका स्क्वायर रूट होता है द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन का फ्रॉम द मीन एंड इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 37 कह रहा है विच इज नॉट टाइप ऑफ अ कोरिलेशन, ठीक है, कौन सा जो कोरिलेशन का टाइप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनकोरिलेटेड, ठीक है। एक कोरिलेशन होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, एक होता है सिंपल पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, एक होता है लिनियर नॉन लिनियर कोरिलेशन, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है पॉजिटिव कोरिलेशन, ये क्या होता है, जहाँ पे जब दोनों वेरिएबल जो वैरी करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन या फिर वो इंक्रीज करा है, तो एक अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करा है दूसरा वेरिएबल इंक्रीज करा है, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज करा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन, में क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, या फिर पहला वेरिएबल जो है वो डिक्रीज कर रहा है दूसरा वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। ध्यान रखिए सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। एक होता है सिंपल कोरिलेशन, ठीक है, सिंपल कोरिलेशन मतलब क्या होता है कि जब हम दो वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन मतलब कि जब मोर देन टू वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं ओनली टू टू बी इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, ठीक है। मतलब कि हम लोग दो से ज्यादा वेरिएबल को यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेकिन जो हम लोग फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो दो ही वेरिएबल को जो है वहाँ पे लेते हैं अकाउंट में, ठीक है। और मतलब जो दोनों है वो किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। एक हमारा मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, जहाँ पे थ्री या फिर उससे ज्यादा वेरिएबल्स को हम लोग स्टडी करते हैं साइमल्टेनियसली, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है।
अब आता है लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि जब हम अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल जब वो टेन करता है कि जो मतलब वो कांस्टेंट रेशियो को टेन करता है, ठीक है, तो जो रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन द अदर वेरिएबल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। सो सुन लीजिए क्या बोलते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। एक होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि जब इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वेरिएबल डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। तो इतने जो है वो टाइप्स है कोरिलेशन के, और इसमें से जो अनकोरिलेटेड है वो कोई भी टाइप नहीं है कोरिलेशन का, इसलिए हम लोग का 37 का जो आंसर है वो हमारा सी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, स्क्यूनेस विल बी पॉजिटिव वेन, ठीक है। स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव होगा तब वो क्या होगा, ठीक है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मीन ग्रेटर देन मोड ग्रेटर देन मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ये वाला जो है रिलेशन दिखाएगा जब पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा तो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही हूँ, तो ये जो है ये एक तरह का क्या है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड ज्यादा, ठीक है। अगर वही अगर हमारा जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, यहाँ पे जो इसका राइट टेल है ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये लॉन्ग हो जाएगा राइट टेल, और जो लेफ्ट टेल है यहाँ पे ये छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये मोड रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला लाइन मोड रहेगा, ठीक है। ये मिडिल में क्या रहेगा, मीडियन, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा मीन, ठीक है, यहाँ पे मीन रहेगा। तो आप इसे पता लगा रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पॉजिटिव स्क्यू है, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यू में क्या हो रहा है कि जो वैल्यू रहता है मीन का वो ज्यादा होता है देन मीडियन देन मोड, ठीक है। उसके बाद हमारा जाता है नेक्स्ट है नेगेटिव स्क्यू, ठीक है। नेगेटिव स्क्यू में क्या रहेगा कि जो राइट टेल है वो छोटा रहेगा और लेफ्ट टेल बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट टेल है बड़ा है लेफ्ट टेल, और जो राइट टेल है वो बड़ा है छोटा है, ठीक है, ये आपको कन्फ्यूज नहीं है, लेफ्ट टेल बड़ा है राइट टेल छोटा है, किसमें, नेगेटिव स्क्यू में, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपका आ जाएगा मीन, यहाँ पे आ जाएगा आपका मीडियन, यहाँ पे आ जाएगा मोड, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्क्यू है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्यूनेस जो है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। थोड़ा सा जान लेते हैं स्क्यूनेस क्या होता है। तो स्क्यूनेस जो है अगर हमारा वहाँ पे सिमेट्री लैक कर रहा है कहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सिमेट्री लैक कर रहा है तो हम लोग उसको स्क्यूनेस बोलेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी डेविएशन आ रहा है फ्रॉम द सिमेट्री तो उसको हम स्क्यूनेस बोलेंगे, ठीक है। ये जो स्क्यूनेस हम उसको बीटा वन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो दो तरह का स्क्यूनेस होता है कौन कौन सा, तो पॉजिटिव स्क्यूड और दूसरा नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है। और जो पॉजिटिव स्क्यू होता है वो क्या होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर्व जो है उसके पास लॉन्गर टेल होता है ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो राइट राइट हैंड साइड है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है कि जो कर्व है इसका लॉन्गर टेल है ऑन द राइट राइट हैंड और एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ठीक है। अब नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी कर्व है यहाँ पे जो है मोर इंक्लाइन रहेगा टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में लॉन्गर टेल देखने को मिल रहा है और जो राइट साइड है यहाँ पे छोटा रहता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, ठीक है। और नेगेटिव स्क्यू में क्या रिलेशन होगा, या फिर मोड जो है वो ग्रेटर रहता है मीडियम में, ठीक है, या फिर जो ऐसे देखेंगे जो मोड ग्रेटर देन मीडियम ग्रेटर देन मीन, ठीक है, यहाँ पे उल्टा रहता है अपोज रहता है पॉजिटिव स्क्यूनेस के रिलेशनशिप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 39 क्या बोल रहा है, कोरिलेशन लाइज बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे जो कोरिलेशन है इसका रेंज पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, +1 to -1, ठीक है। जो कोरिलेशन है ये वैरी करता है -1 से +1 से, ठीक है, -1 से लेके +1 तक जो है वैरी कर सकता है इसका रेंज। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये क्या मेजर करता है, तो लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल जो है ये मेजर करता है, ठीक है। और जो वैल्यूज है वो -1 के +1 के बीच में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, जो कोरिलेशन होता है वो तीन तरह का देखने को मिल सकता है आपको, मतलब दो तरह का देखने को मिलता है, जैसे कि एक देखा था हमने पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, या फिर पार्शियल सिंपल, इस तरह का जितने भी टाइप्स है, ठीक है। तो आप इसको अगर देखना चाहेंगे अगर ग्राफ से, तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर जो जो स्कैटर अगर जो रहेगा, तो डाटा अगर वो स्कैटर ज्यादा नहीं रहा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर जैसे कोई डाटा है वो ज्यादा स्कैटर्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर ये डाटा जो है स्कैटर है, ठीक है, और लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे अपोजिट में है, ठीक है, इसका उल्टा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा सेट से वो अगेन लाइन में रेंज करेंगे, लेकिन ये क्या है, इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। अगर ये जो है स्कैटर है डाटा सेट जो है वो स्कैटर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है।
अगर यहाँ पे क्या होगा कि और ज्यादा डाटा सेट से अगर वो ज्यादा जाएंगे और स्कैटर्ड भी थोड़े कम रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे पूरा स्कैटर्डनेस देखने को मिलेगा डाटा में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये क्या है जो कोरिलेशन का जो हमने ये बनाया है, तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा। यही जो है कोरिलेशन, ये मेजर करता है टू सेट्स ऑफ डाटा के बीच में जो रिलेशनशिप को फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, क्या बोल रहा है, द कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। ठीक है, जो कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल शेप। ठीक है, ये आप इस तरह से देखिए, ये इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा बेल शेप का, ये इस तरह से जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। ठीक है, यहाँ इस जो ये जो मिडिल वाला जो लाइन है यहाँ पे क्या होगा, मीडियन इक्वल टू मीन इक्वल टू मोड। ठीक है, ये इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ये सिमेट्रिकल साइड्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसिम्प्टोटिक टेल है। ठीक है, इसको एसिम्प्टोटिक टेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बेल कर्व होता है वो कॉमन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ वेरिएबल रहता है, इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हो इसका रेंज क्या है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए 0 से 1। ठीक है, नॉर्मली जो 0 है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन इसका जो रेंज है वो वैरी करता है 0 से 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, व्हाई डू वी यूज एफ टेस्ट। ठीक है, हम लोग जो एफ टेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो है यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली कि यूज ऑफ एफ टेस्ट। ठीक है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे गलती है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ टेस्ट जो है वो हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन पूछा है, तो इसका ऑल ऑफ दीज रहेगा। ये जो है हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरियंस के लिए, इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन्स के लिए, ठीक है, टू टेस्ट ऑब्जर्व कोरिलेशन रेशियो। ठीक है, ये सब के लिए जो हम लोग है एफ टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग जो है एफ टेस्ट यूज कर सकते हैं, तो एफ टेस्ट जो हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए, इसको हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट करने के लिए, ठीक है, उसके साथ ही साथ सिग्निफिकेंस फॉर ऑब्जर्व कोरिलेशन रेशियो करने के लिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन में है एफ टेस्ट जो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग द लिनियरिटी ऑफ द रिग्रेशन। ठीक है, लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन देखने के लिए चेक कर सकते हैं, जो एफ टेस्ट है वो हम लोग इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन्स देखने के लिए चेक कर सकते हैं, या फिर टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये सब जो है एफ टेस्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 43 कह रहा है द मोर सीवियर एरर इज। ठीक है, जो ज्यादा सीवियर टाइप ऑफ एरर किसमें हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टाइप 2 टेस्ट। ठीक है, तो टाइप 2 टेस्ट के एरर होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर होते हैं वो अल्फा से डिनोट होते हैं, जो टाइप 2 एरर होता है वो बीटा से डिनोट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो एच नॉट है ये मैं पहले बता देती हूँ, जो एच नॉट है इसका मतलब क्या था, नल हाइपोथेसिस, और जो एच वन होता है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, एच नॉट मतलब क्या, एच नॉट मीन्स नल हाइपोथेसिस एंड एच वन इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो टाइप 1 एरर में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं इसको, एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं जब वो ट्रू रहता है। ठीक है, और एक्सेप्ट करते हैं एच वन को जब वो फॉल्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 1 एरर फॉर्म होता है। टाइप 2 एरर का फॉर्म होता है जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एच नॉट को जब वो फॉल्स रहता है, या फिर रिजेक्ट करते हैं एच वन को जब वो ट्रू रहता है। ठीक है, ये जो है टाइप 2 एरर जो है वो बहुत सीवियर टाइप है देन टाइप 1 एरर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, टाइप 2 एरर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर, इन टाइप 1 एरर। ठीक है, अगर मैंने अभी बताया था टाइप 1 एरर के नाम, आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस 44 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपने सही आंसर दिया होगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, द हाइपोथेसिस इज ट्रू बट टेस्ट रिजेक्ट्स इट। ठीक है, टाइप 1 एरर है, अगेन इसको बता रही हूँ, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ALPHA अल्फा से जो है इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं जब वो ट्रू रहता है, एंड एक्सेप्ट करते हैं एच वन को जब वो फॉल्स रहता है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 45 कह रहा है द इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, तो ये दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली। ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ठीक है, जो इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1930 में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, या वो ध्यान रखना है, 1930 में स्टैब्लिश हुआ था ये। ठीक है, ये मेनली इसका फोकस रहता है कहाँ का, तो ये इसका मेन फोकस रहता है इसका एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, दूसरा रहता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में इसका जो है फोकस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन इट्स। द ज्योमेट्रिक मीन होता है वो सीरीज में जो वो किससे हमेशा लेस रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक मीन। ठीक है,
ज्योमेट्रिक मीन है वो हमेशा चाहे कोई भी गिवन सीरीज के लिए चाहे वो लेस देन रहता है अर्थमेटिक मीन के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है अकाउंट लेता है कंपाउंडिंग इफेक्ट को, ठीक है, जो कि चेंज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि जो वैल्यू है वो कम देखने को मिलती है ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ऑलवेज लेस लोअर रहता है अर्थमेटिक मीन, क्योंकि ड्यू टू द कंपाउंडिंग इफेक्ट, ठीक है। और जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हायर रहता है देन ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि इसको कैलकुलेट किया जाता है एज अ सिंपल एवरेज, ठीक है। ये एप्लीकेबल रहता है ओनली टू द पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के लिए, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेट ऑफ नंबर के लिए, लेकिन एप्लीकेबल रहता है ओनली टू पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 47 कह रहा है द वेरियंस इज द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, जो वेरियंस है ये किसका स्क्वायर है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जो वेरियंस है वो स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो मेजर है कितनी नंबर्स जो है वो स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, सिग्मा ग्रीक लेटर सिग्मा है ये, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है वेरियंस जो है स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या है? वेरियंस है, ठीक है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? वेरियंस का रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है क्या है? रूट ऑफ वेरियंस, ठीक है। और वेरियंस क्या होता है? तो द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन को हम लोग वेरियंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू द वर्क ऑफ, ठीक है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी डी मोवरी, ठीक है। ये साइंटिस्ट डी मोवरी, इन्होंने ही जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था पहली बार, ठीक है। और थोड़ा सा चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो बेल शेप होता है, वो मैंने हमने जस्ट अभी देखा कि इस तरीके का जो है डायग्राम बताया, यहाँ पे मीन मीडियन मोड जो है यहाँ पे इक्वल रहता है, यहाँ पे एसिम्प्टोटिक टेल देखने को मिलता है, ठीक है। ये सिमेट्रिक रहता है अबाउट द मीन, तो यहाँ पे मीन के अराउंड जो सिमेट्रिक सिटी है यहाँ पे क्या होता है? मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन रहता है, ठीक है। और जो क्वार्टाइल्स रहते हैं वो इक्वी डिस्टेंस रहता है फ्रॉम द मीडियन, ठीक है। जैसे Q2 माइनस Q1, ठीक है। जो थर्ड क्वार्टाइल है वो अगर माइनस करेंगे सेकंड क्वार्टाइल को तो इक्वल होगा क्वार्टाइल 2 माइनस क्वार्टाइल 1 से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जो कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस है फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जीरो होता है, ठीक है। अगर हम कोफिशियंट ऑफ कुर्टोसिस बोलते हैं फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो वहाँ पे वो 3 देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो रेंज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये इक्वल रहता है 6 सिग्मा के इक्वल, ठीक है। और मीन डेविएशन जो है वो अबाउट मीन 4/5 सिग्मा रहता है, और कॉर्डल डेविएशन कितना रहता है? 2/3 सिग्मा, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, आपको ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन करिए और रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 49 कह रहा है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एप्रोप्रिएट फॉर इंडेक्स नंबर, ठीक है। कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एप्रोप्रिएट है इंडेक्स नंबर के लिए? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि 3 मोस्ट कॉमन मेजर जो है सेंट्रल टेंडेंसी को क्या है? मीन मीडियन मोड, ठीक है। लेकिन हम लोग जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं इंडेक्स नंबर का तो हम लोग वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जो है वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है द स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्योर फॉर एस्टिमेटिंग वेदर द डिफरेंस अंडर स्टडी इज सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट इज नोन एज, ठीक है। अगर हम कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्योर करते हैं, अगर हम लोग वहाँ पे एस्टिमेट करना है कि जो डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट या फिर नॉन सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो क्या कहेंगे उसको? इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो वो एक तरह का फॉर्मल प्रोसीजर है जहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व डाटा को विद अ क्लेम कि वो जो ट्रूथ है उसको हम लोग एसेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। तो मेनली आप समझ गए कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किसको बोलते हैं, तो मतलब कि अगर हम लोग को अगर मेजर कर रहे हैं हम लोग सिग्निफिकेंस, अगर हम लोग को वहाँ पे देखना है कि जो कुछ प्री डिफाइंड टेस्ट है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, या फिर लोग सिग्निफिकेंस टेस्ट भी सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे आंसर की दे रखे हैं, आपको इसका जो PDF का जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, वो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे बेल आइकन को हिट करिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे जो है आपको डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं, वो एक अफोर्डेबल रेट में है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है वाले टीचर्स हैं, तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और आप इजिली कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा, ठीक है।
आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।